नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेजी पर है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है और वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। नांगलोई डिपो के पास एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने केजरीवाल के फ्री वाईफाई के वादे पर चुटकी, जिसका जवाब केजरीवाल ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में दिया। तो हम भी हमारा हिसाब किताब लेकर गए। मोदी जी ने 5 साल तक देश के लिए जो करा उसका हिसाब लेकर हम गए थे। अब आपके 5 साल समाप्त हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि हम 1000 नए स्कूल बनाएंगे, जरा एड्रेस दिल्ली की जनता को दे दीजिए। आप मुझे बताओ भाई, आपके यहाँ नए स्कूल बने हैं क्या? जोर से बोलो, बने हैं? 20 कॉलेज बनाने का कहा था, एक भी कॉलेज खुली है? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 15 लाख सीसीटीवी कैमरा कहाँ है भाई? 15-20 हजार लगाए और फोटो खिंचवा दी केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता सब जानती। 5000 डीटीसी की बसें लाने का वादा किया था, 300 लाकर थक गए। इसके बाद 8 लाख युवाओं को नई नौकरी देंगे, जो अस्थाई कर्मचारी है उसको परमानेंट करेंगे। ये सारे अस्थाई कर्मचारी बिचारे इधर उधर घूम रहे हैं, एक भी परमानेंट नहीं हुआ। श्रीमान केजरीवाल जी, आपने कहा था पूरी दिल्ली में युवाओं के लिए मैं फ्री वाईफाई कर दूंगा। मैं अभी 3 सभाएं कर आया हूं, रास्ते में वाईफाई ढूंढते ढूंढते बैटरी खत्म हो गई, मगर वाईफाई नहीं। अब अमित शाह के इस तंज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां चुप रहने वाले? पहली फुर्सत में ही उन्होंने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक अकाउंट से पलटवार करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, सर हमने फ्री वाईफाई के साथ साथ फ्री बैटरी चार्जिंग का भी इंतजाम कर दिया। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल से सवाल किया, जरा बताएं कि कितने स्कूल बनाए? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही थी और कुछ ही सीसीटीवी लगाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे खुशी है आपको कुछ सीसीटीवी कैमरे तो दिखाई दिए। कुछ दिन पहले तो आपने कहा था कि एक भी कैमरा नहीं लगा, थोड़ा समय निकालिए, आपको स्कूल भी दिखा देते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने राजनीति बदली है, जो यहाँ भाजपा को सीसीटीवी स्कूल और कच्ची कॉलोनियों पर वोट मांगने पड़ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी को वोट डाला जाएगा और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। वोटिंग से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था।